IS-10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बहुत मशहूर स्टैंडर्ड, और मैं यहाँ ये स्टैंडर्ड आपको पढ़ाने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि आप सब ने वैसे ही पढ़ा हुआ है, आप लोग एक्सपर्ट हो, लेकिन मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल इसमें देनी है। आप लोग को याद होगा कि एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग आपने इवेंट पढ़े हैं, वो इवेंट जो ईयर एंड के बाद और साइन ऑफ से पहले हों, और अगर उनके होने की कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट करती है या कुछ लोगों ने पढ़ा है, फर्दर एविडेंस हमें मिलती है, तो वो एडजस्टिंग इवेंट है, और अगर होने की कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट नहीं करती तो ऐसी सूरत हाल में वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट को कभी कभार छोटे बच्चों को समझाने के लिए हम लोग यूँ भी कह देते हैं कि ईयर एंड के बाद अचानक से हो गया, अचानक से हो गया तो वो नॉन एडजस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक बर्न, ईयर एंड के एक डेढ़ महीने बाद अचानक से स्टोर रूम में आग लगी, सारा स्टॉक जल गया या बहुत सारा स्टॉक जल गया, तो ऐसी सूरत हाल में ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। देन ईयर एंड के बाद एक महीने बाद कोई अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से लॉस हो गया, तो इसकी भी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, इस तरह की सारी आसमानी आफतें हो गई। देन सडन फॉल इन दी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ईयर एंड के बाद अचानक से स्टॉक मार्केट गिर गई, या आपने प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो गिर गई, या आपकी कोई इम्पेयरमेंट हो गई, आपके कोई एक्सीडेंट हो गया, एसेट की वैल्यू गिर गई, तो ये सब के सब नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। तो नॉर्मली बच्चों को इस तरह बता दिया जाता है कि भाई ये ईयर एंड पर अगर एविडेंस नहीं है तो नॉन एडजस्टिंग है, और ये मशहूर एग्जाम्पल्स भी दे दी जाती है। लेकिन साथ साथ कभी कभार इंटरव्यूअर जो होता है ना, वो इस IAS में जाता है और वो इस IAS से रिलेटेड आपसे सवाल पूछता है, तो हम बच्चे से कहते हैं कि भाई कभी कभार इन नॉन एडजस्टिंग इवेंट को भी अगर वो एग्जाम्पल ऐसी देना तो इसका एडजस्टिंग इवेंट में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैंने कहा कि आग का लग जाना ये नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन मैं एक ख्याली प्लाव बना के समझा रहा हूँ। आज से कई सालों पहले ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रिया में कहीं जंगलात में आग लगी थी, तो ख्याली प्लाव में यूँ समझें कि लेटस से उस जंगल के अंदर ही मेरी फैक्ट्री है और ईयर एंड से पहले आग लग गई है, और ईयर एंड पर आग मेरी फैक्ट्री के बिल्कुल करीब आ चुकी है, और फिर ईयर एंड के चार दिन बाद उस आग ने मेरी फैक्ट्री को भी जला दिया, तो अब ये एडजस्टिंग इवेंट होगा ना, क्योंकि ईयर एंड पर आग लगने की कंडीशन मौजूद है। तो देखें, यही एग्जांपल थी आग लगने की, वो नॉन एडजस्टिंग भी हो सकती है, एडजस्टिंग भी हो सकती है। इस पर मैं एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री से। ये हमारी हिस्ट्री का बड़ा सैड इवेंट था, आप लोगों को याद होगा गालिबन, जहां तक मेरा अंदाजा है 2013 की बात है, कि 2013 में पाकिस्तान में एक बड़ा एक्सट्रीम फ्लड आए थे, और वो फ्लड सबसे पहले आया था वहाँ खैबर KPK और उस वो पहाड़ी एरियाज में आया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने पठान भाइयों की मदद की थी, जो और वो ऐसा वहाँ KPK की साइड पे आया था कि पहले से प्रिडिक्शन हो गई थी कि अगर वहाँ से कंट्रोल नहीं हुआ ना, तो ये घूमता 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 अल्टीमेटली ये सिंध में भी इफेक्ट करेगा, और ये पहले से पूरी प्रिडिक्शन आ गई थी ना, TV पे बाकायदा इसका चार्ट आता था, सुनिएगा। तो अब यही हुआ कि कुछ महीनों बाद ये वहां से फ्लड होता 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 उसने सिंध में बहुत तबाही मचाई, और फिर याद करें हम लोगों ने हर स्कूल ने डोनेशन दिया था, ऑलमोस्ट सब बच्चों ने अपने पुराने कपड़े और पता नहीं कितने डोनेशन हमने दिए थे। अब जरा इसको IAS-10 से मैं कनेक्ट करता हूँ, जरा सोचें ईयर एंड से पहले यहाँ आ चुका है अजाब, यहाँ फ्लड आ चुका है, और मेरी फैक्ट्री या मेरा एग्रीकल्चर की चीज़ें यहाँ सिंध में है, तो अब पहले से प्रेडिक्शन है कि अगर ये चीज़ कंट्रोल नहीं हुई तो अल्टीमेटली वो ईयर एंड के बाद इस चीज़ को उड़ा देगी, तो अब ऐसे लॉसेस भी एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा, ऐसा फ्लड भी एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट करती है। तो याद रहे कि कई बार ये एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का जो स्टैंडर्ड है, इसकी कुछ तो मशहूर एग्जांपल है, लेकिन कभी कभार इंटरव्यूअर तफसील में जाता है तो उसमें आपको तफसीली जवाब देना होता है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी बातें, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।